नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, हर साल की तरह और हर महीने की तरह पूरी 12 राशियों की वीडियो हम दिया करते हैं। अब आपके लिए जुलाई के महीने की मिथुन राशि के लिए ये जुलाई का महीना कैसा रहेगा, क्या क्या सावधानियां हमको बरतनी चाहिए, क्या क्या शुभ अशुभ कार्य हमारे साथ में होंगे, ये जानकारी हम लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपके शनि भाग्य स्थान में हैं, तो ये महीना भाग्य वृद्धि कारक है। भाग्य की वृद्धि होगी, लंबी यात्राएं आप करेंगे और उन यात्राओं के अंदर आपको सफलता मिलेगी। बृहस्पति और राहु ये गुरु चांडाल योग बना करके और एकादश स्थान में गए, तो जो लाभ के रास्ते गए आने की उम्मीद होते हुए भी उसमें विघ्न आएंगे, लाभ होंगे लेकिन बड़ी कठिनाई से प्राप्त होंगे। और उसमें आपको चाहिए कि हर शनिवार थोड़ा सा नीला कपड़ा, साबुत उड़द तेल ये जो है आप दान करें, तो ये विघ्न बाधा भी आपकी शांत हो जाएंगी। अब इस महीने के अंदर 15 जून तक सूर्य आपके 12वें स्थान में रहेंगे। 12वां स्थान ठीक नहीं होता, अशुभ होता है। कोई भाई के साथ विवाद हो सकता है, कोई मित्र के साथ विवाद हो सकता है, कहीं पर कोई हानि हो सकती है, इसलिए संभल करके चलिएगा। बाकी अब मैं आपको 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक का परिणाम बताने का प्रयास कर रहा हूं। 1 और 2 तारीख ये काफी सावधानी की है, तो उस समय पर अपना व्यवहार मधुर बनाएं, वाणी को मधुर बनाएं, अन्यथा किसी के साथ कोई विवाद होकर के झगड़ा हो सकता है, कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इस समय पर एक तो ऋण ना लें, इस बात का भी आपको जो है ख्याल रहे। ऋण चुकाना हो तो 1 और 2 तारीख के अंदर आप चुकाइएगा। 3-4 तारीख ये आपके लिए बहुत सुंदर और सुखद होंगी। आप व्यापारी हैं तो कोई भी वस्तु इस समय पर व्यापार के लिए आप खरीदिए, भंडारण कीजिए, आगे जाकर के आपको लाभ देगी। और स्त्री पुरुष के बीच में, पति पत्नी के बीच में अच्छा माहौल रहेगा। 5-6 तारीख ये आपको थोड़ा संभलना होगा, स्वास्थ्य आपका विपरीत हो सकता है, कोई भी परेशानी शरीर में हो सकती है, तो एक तो यात्राओं को स्थगित करें और उस समय पर दूध और चीनी का जो है आप दान करें। अब आपको 7 और 8 तारीख 9, 10, 11, 12 ये कंटिन्यू 6 दिन बहुत बढ़िया है। कोई भी यात्रा के द्वारा लाभ होगा, कोई भी रुका हुआ कार्य है वो पूर्ण होगा, सरकार की तरफ से जो है कोई कार्य अटका हुआ है वो पूर्ण होगा, या समाज की तरफ से कोई कार्य अटका हुआ है वो भी आपका पूर्ण होगा और अच्छे जो है लाभ को आप प्राप्त करेंगे। 13-14 तारीख ये जो है इसमें कोई रिस्क ना लें, किसी को के साथ में देन लेन ना करें, वरना ये आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है, चीटिंग हो सकती है, धोखा हो सकता है। अब इसके पश्चात 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 ये 8 दिन कंटिन्यू मैं आपको दे रहा हूँ, या ग्रहों की कृपा आपके ऊपर रहेगी, अच्छा माहौल होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, अच्छे समाचार प्राप्त होंगे, कोई भी आपका बड़ा कार्य सिद्ध होगा, परिवार भी अच्छा जो है माहौल में रहेगा, परिवार में हंसियाँ खुशियाँ रहेंगी, मित्रों से भाइयों से इनसे जो है आपको लाभ होगा। और 23-24 तारीख ये थोड़ी सी अशांति की है, अर्थात इसके अंदर मन थोड़ा सा अशांत रहेगा, अकारण मन में भय उत्पन्न रहेगा, तो उसके लिए भी वही दूध का और चीनी का दान कीजिएगा, तो ये पीरियड आपका अच्छा निकल सकता है। 25, 26, 27 तारीख ये विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है, इस समय पर अगर आपके कोई एग्जाम हैं तो उसमें सफल होंगे, कोई इंटरव्यू है तो आप जो हैं सफल होंगे, और
कहीं पर भी किसी भी प्रकार का पढ़ाई से संबंधित कोई भी कार्य है वो आपका सफल होगा। 28-29 तारीख के अंदर आपको सावधान रहना होगा, मुख वाणी व्यवहार इनको सुधारना होगा, अन्यथा कोई भी जो है विवाद आपके जीवन में आ सकता है, 2 दिन के बाद में वो स्वतः शांत हो जाएगा। और 30-31 तारीख आपके लिए बहुत ही सुंदर परिणाम देने वाली है, बहुत अच्छा परिणाम देने वाली है, अच्छा जो है माहौल बनेगा, व्यापार बहुत बढ़िया होगा, कोई बड़ी डील आप इस समय पर कर सकते हैं। अगर बड़ी डील आप करते हैं तो उसके अंदर आपको लाभ होगा। बाकी और जानकारियों के लिए इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके, कार्यालय की सेवाएं हैं वो दे करके, अपॉइंटमेंट लेकर के, और आप जो भी जानना चाहते हैं अपने जीवन से संबंधित, व्यापार से संबंधित, वास्तु से संबंधित, कुछ भी जानकारी आप चाहते हैं वो आप जान सकते हैं। नमस्कार।